दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आखिर मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो वायरल कर रहा हूं। आपको पता ही होगा मेरा जो दूसरा चैनल है जिस पर मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूं उस पर आखिर कैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ भी रहे थे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिस पर यहाँ पर आप देखो व्यूज़ देखो 2.8 लाख व्यूज़ इस पर आ चुका है। ठीक है, हालांकि 2.8 लाख कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, 3 लाख कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके अगर मैं सब्सक्राइबर दिखाऊँ ना तो सिर्फ अभी देखो 2500 सब्सक्राइबर, और ये वीडियो वायरल होने से पहले मात्र इसमें 15 या फिर 1600 सब्सक्राइबर था। वीडियो वायरल हो गया, सब्सक्राइबर भी कम से कम 1000 सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। तो आखिर किस तरीके से मेरे ये शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो रहे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि मैं खुद इनको ट्राई करता हूँ, और जब मुझे उसका रिजल्ट मिला तो मैं आपके सामने इनको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ तो सब में मैं कोई ना कोई ट्रिक लगाता रहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3-4 ट्रिक आपके लिए निकाली है जो कि 100% काम करने वाले हैं, बस आपका शॉर्ट्स वीडियो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखना, अगर आपने ये चीज़ें ध्यान से समझ ली तो आपका शॉर्ट्स वीडियो गारंटी के साथ वायरल होगा, लेकिन उसके लिए आपको ये ट्रिक समझनी पड़ेगी या फिर जो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने की ट्रिक बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपकी कमाई धमाई करवा देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज के अपने पार्टनर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है ब्रिक ट्रेड। ब्रिक ट्रेड इज ए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ब्रिलियंट आइडिया के साथ ब्रिक ट्रेड ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जहाँ पर ट्रेडर्स को इजी, स्मूथ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहां पर आप बहुत सारे एसेट्स के साथ काम कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, लाइक करेंसी से लेकर के क्रिप्टो एसेट्स, और यहां पर आपको 100+ एसेट्स और मिल जाते हैं जिनके साथ ट्रेडिंग कर सकते हो विथ रियल टाइम गुड्स यू कैन चूज। और ये जो राइट साइड में परसेंटेज आ रहा है, इट चूज योर पोटेंशियल प्रॉफिट। अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता तो यहाँ आप लर्न कर सकते हो। ब्रिक ट्रेड की तरफ से यहाँ पर आपको 10,000 रुपए मिलते हैं, जहाँ पर आप पहले लर्निंग कर सकते, एंड वंस योर फील रेडी टू अर्न आप अपना रियल अकाउंट बना करके ट्रेडिंग कर सकते हो। और यहाँ पर मिनिमम ट्रेडिंग आप यहाँ पर 100 रुपया अमाउंट से कर सकते हो और एक सिंगल ट्रेड आप 20 रुपया से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे मोबाइल की स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 100 रुपया यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है। ग्रीन बटन पर मैंने टैप किया एंड यहाँ पर मुझे लगभग 1 मिनट का यहाँ पर टाइम देना होगा, 1 मिनट वेट करना होगा, उसके बाद हमारा पता चलेगा कितना हमारा प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर आपको अपने प्रेडिक्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि इंक्रीज होगा या फिर अप होगा या फिर डाउन होगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रेडिक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप खुद से ही देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे 90% का लगभग प्रॉफिट हुआ है। इसमें विड्रॉल एंड डिपॉजिट करना भी काफी ज्यादा इजी है, आप UPI, नेट बैंकिंग, पेटीएम किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, और इसका कस्टमर सपोर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है। 24/7 आपको यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा ये लोग तैयार रहते हैं कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है। प्लस इसी एप्लीकेशन में आप फ्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल भी एक्सेस कर सकते हो, तो लिंक में इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो जाओ इसको यूज करो, ट्रेडिंग करो एंड काफी अच्छी अर्निंग। ठीक है, तो कमाई आपकी हो गई। अब देखो मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए तो आपका शॉर्ट्स वीडियो 100% वायरल होगा ही होगा। और ये चीजें मैं हवा हवाई नहीं बता रहा हूँ, जब मैंने खुद से इनको ट्राई करा, जब मुझे इनका रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये चीजें शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ये चीजें बताता होगा। देखो सबसे पहला ट्रिक आपका ये है कि अगर आपने जस्ट एक शॉर्ट्स चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है, कुछ ही वीडियो आपने डाला है और वो वीडियो आपकी वायरल नहीं हो रही है, या फिर जस्ट आपने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना कि जो भी आप शॉर्ट्स वीडियो बनाओ ना उसमें आपको टाइटल लिखना है एंड आपको टैग लिखना है, डिस्क्रिप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना। अब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन आपको क्यों नहीं लिखना वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जब आप शॉर्ट्स वीडियो पर डिस्क्रिप्शन लिख देते हो ना, तो वहां पर थोड़ा सा वो जो आपका वीडियो है वो शॉर्ट फीड में ना जाकर के हल्का सा ब्राउज फीचर में जाने लगता है। अब शॉर्ट वीडियो अगर शॉर्ट फीड में नहीं जाएगा, ब्राउज फीचर में जाएगा, तो बताओ कहां से व्यूज आ सकता है। इस चक्कर से वो आपका शॉर्ट वीडियो कहीं ना कहीं भटकता रहता है, थोड़ा सा ब्राउज फीचर में जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट फीड में जाएगा, तो फिर वो कहीं नहीं जा पाता। इसलिए आपको ध्यान देना है, और ये मैं आपको स्टार्टिंग लेकर आऊँ, जब आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, नए आप शॉर्ट्स वीडियो डालो या फिर अगर आप कुछ डाल चुके हो उस पर आपके व्यूज नहीं आए हैं, तो आपको ये ट्रिक लगा करके जरूर देखना है। और ये मैं अपने लगभग इस वीडियो पर मैंने करा था जिस पर 3 लाख व्यूज आ गया है,
और मुझे इसका रिजल्ट सक्सेसफुली मिल रहा है। इसका देखो फायदा मैं आपको बता देता हूँ, होता क्या है कि अगर आप इस पर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो आपको पता चल गया आपका ब्राउज फीचर में जाने लगता है, जिसकी वजह से ना वो शॉर्ट फीड में जा पाता ना ब्राउज फीचर में जा पाता। अब अगर आप इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे, ओनली टाइटल लिखोगे एंड ओनली टैग लिखोगे, टाइटल टैग तो आपको पता ही है कैसे लिखना है, ठीक है। टैग्स में आपको शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स करके लगा देना है, टाइटल में भी ऐसे लगा सकते हो। तो अब यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे ना, तो वो आपका जो वीडियो है वो सबसे पहले तो शॉर्ट फीड में ही जाएगा, ब्राउज फीचर में ना के बराबर जाएगा, सबके शॉर्ट फीड में ही जाएगा, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसके पास भी, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है नए नए लोगों के पास भी जाएगा, तो वो शॉर्ट फीड में ही जाएगा, ठीक है। जब लोग शॉर्ट्स वीडियो देख रहे होते हैं वहाँ पर ही दिखाया जाएगा। तो अगर शॉर्ट वीडियो आपका शॉर्ट फीड में निकल गया तो सिंपल सी बात है उस पर व्यूज आपका आएगा ही आएगा। तो पहली चीज़ तो आपको यह ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं लिखना। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कभी नहीं लिखना, जब आपके ऐसा होता है चैनल के साथ, जब आपके 2-4 वीडियो 10 वीडियो शॉर्ट फीड में निकल जाएंगे, उसके बाद चाहे जो भी आप लिखते रहे, डिस्क्रिप्शन भी लिखोगे ना, फिर भी आपका शॉर्ट फीड में जाएगा, क्योंकि 1-2 बार अगर वीडियो चली गई फिर जाने के चांस हो जाते हैं। तो पहला ट्रिक आपका यह था कि बिल्कुल भी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो आपका ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं मैंने 2 वीडियो डाल दी 4 वीडियो डाल दी उन पर व्यूज ही नहीं आ रहा, मैंने छोड़ दिया। ये भाई साहब सबसे बड़ी गलती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि सबसे पहले आपको अगर आपने एक शॉर्ट चैनल बनाया है, शॉर्ट्स वीडियो आप डाल रहे हैं, तो कम से कम आपको 10 शॉर्ट वीडियो डालना ही डालना है, क्योंकि मैंने ये खुद से एक्सपीरियंस करके देखा है और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया भी कि जब मैंने अपने चैनल पर 10 वीडियोज़ अपलोड कर दी उसके बाद बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आपके वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से शॉर्ट फीड पर जाने लगते हैं। हो सकता है कि आप 10 वीडियो डालो 10 वीडियो में आपका कोई भी वीडियो ना निकले, थोड़ा थोड़ा व्यूज़ है, लेकिन 10 वीडियो डालने के बाद आपके व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने खुद से ट्राई करके देखा है और ये काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया भी है, ठीक है। हाँ, अगर आप लकी हुई है तो आपके जल्दी भी निकल सकते हैं, पहला वीडियो डालने से निकल सकता है, दूसरा भी निकल सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ 2-4 वीडियो डाल करके छोड़ दोगे तो ये बहुत गलत बात है। कम से कम आपको 10-12 वीडियो डालना है, उसके बाद आप देखोगे कि खुद आपको YouTube आपके शॉर्ट्स वीडियो को प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे आगे आपका इस तरीके से बढ़ता जाता है, जैसे कि एक वीडियो आपका 1000 गया तो अगले के भी चांस है कि वो 1000 से ज़्यादा जाएगा, ठीक है, ऐसा चांस होता है, लेकिन आपको कम से कम 10 वीडियो डालना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो अगली चीज़ है, तीसरी चीज़ है, ये मुझे नहीं पता कि कोई करता होगा या फिर नहीं करता होगा, लेकिन मैंने इसको ट्राई करके देखा और जब मुझे इसका सही रिजल्ट मिला तो मैंने सोचा आपको भी बता देता हूँ। देखो मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ तो कई शॉर्ट्स वीडियो तो ठीक है निकल जाते हैं, अपना नॉर्मल व्यू जितना आना होता है आ जाते हैं, लेकिन कई शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा कि उसको जैसे मैंने पब्लिक करा, ठीक है, उसको मैंने 15 मिनट वेट किया, 30 मिनट मैंने देखा, 1 घंटा तक मैं देखता हूँ, 1 घंटा तक में मुझे पता चल जाता है कि इस वीडियो में, मुझे तो पता होता है कि हाँ इतना इसमें व्यूज आना चाहिए जितना नॉर्मल आता है, अगर आपका 2000-3000 आता है तो हर एक वीडियो में उतना तो आना ही चाहिए, ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे कम आपका है, मान लो कि आपका 1000 हर एक वीडियो पर आ जाता है और एक वीडियो में आपका 1-2 घंटा हो गया, सिर्फ उसमें 20-25 व्यूज है, तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक लगाना है कि उस वीडियो को आपको पूरी तरीके से डिलीट कर देना, आपको उस वीडियो को पूरी तरीके से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद वापस से आपको उसी तरीके से फिर से उस शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर देना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार देखा कि सेम टू सेम वीडियो जब मैंने एक बार पब्लिक करा तो वो शॉर्ट फीड में बहुत धीमे धीमे से जा रहा था, बिल्कुल धीमे धीमे से, और अचानक रुक गया, 20-25-30 व्यूज ही आकर के रुक गया। लेकिन जब मैंने वही वीडियो डिलीट करके फिर से 10-15 मिनट बाद डाला या फिर अलग अलग टाइम पर फिर से डाला, फिर मैंने उस पर देखा कि उस पर जितना व्यूज आना था व्यूज आ गया, और ये ट्रिक मैंने काफ़ी सारी वीडियो पर लगा के देखी, 100% वर्क करती है। तो ये चीज़ भी आप ट्राई करके ज़रूर देखना, अगर आपके शॉर्ट्स वीडियो में कुछ वीडियोज़ पर व्यूज़ आते हैं और कुछ में बिल्कुल ना के बराबर आता है, शॉर्ट फिल्म में जाके रुक जाता है, तो आप उसको डिलीट करके दोबारा डाल के देखना। देखो डिलीट करके चाहे जितनी बार आप डाल दो, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो जाता नहीं है तो कोई डिस्टर्ब तो होगा नहीं है, ठीक है, तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करना। वीडियो अगर आपका शॉर्ट फिल्म में नहीं निकला, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो डिलीट करके वापस से डाल दो, कौन सा आपका ज़्यादा नेट लगने वाला शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ट्राई करके ज़रूर देखना। अगली चीज़ है एडिटिंग एंड आपका जो वॉइस क्वालिटी है ना, वो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई हैं ना, ये तभी वर्क कर सकती हैं जब आपका शॉर्ट वीडियो अच्छा होगा,
आपने अच्छे से एडिटिंग करी होगी, वीडियो में आपका अट्रैक्शन होगा, वॉइस आपकी क्लियर निकल रही होगी। अगर आपने कोई एक फैक्ट बनाया है तो उसकी वॉइस एकदम क्लियर जाना चाहिए लोगों तक, तभी वो लोग आपकी वीडियोज को देखते हैं, वरना बीच में अगर कोई छोड़ के चला जाएगा तो फिर वो भी उस पर व्यूज नहीं आता है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आप यूज करके जरूर देखना। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैंने खुद इनको ट्राई करा और जब मुझे इनका अच्छा रिजल्ट मिला तो आपको लिए भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनको यूज करके जरूर देखना। अगर आप इनको यूज करोगे तो 100% गारंटी है कि आपके जितने व्यूज आते हैं उससे ज़्यादा व्यूज ही आएंगे, और आप जैसे लगातार वीडियो डालते रहोगे तो इनमें से कोई ना कोई आपकी बीच बीच से वीडियो निकलती रहेंगी। जैसे कि मेरा 3 लाख व्यूज उस पर आ गया है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल 10,000, 20,000 या फिर 40,000 तक गई थी, लेकिन अब ये 3 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो यही चीज़ें मैं यूज करता हूं, आप भी इन ट्रिक्स को फॉलो करके जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी जो मैंने आपको पैसा कमाने के लिए बताया था तो डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, फिर कॉमेंट पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो जाकर के वहाँ पर आप देखना, विजिट करना एंड अर्निंग करना। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।